नमस्कार। 3 घंटे तक चली पीएम मोदी और मुख्यमंत्री की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ 1 महीने बढ़ाया जाए लॉकडाउन। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी खबर। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में लॉकडाउन की अवधि और कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर बात की गई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है जो कि 3 घंटे तक चली है। इस बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात पीएम मोदी से कही है। आज इस बैठक में 9 मुख्यमंत्रियों से हुई बात। समय की कमी के कारण इस बैठक में पीएम मोदी की बात सिर्फ 9 मुख्यमंत्रियों से ही हो सकी है। बताया जा रहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्य में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रखने के पक्ष में है, जबकि ओडिशा और गोवा के सीएम ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात पीएम मोदी से कही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से 1 महीने तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने को कहा गया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की जगह इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में ये भी कहा गया कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में कुछ छूट दी जाएगी। वहीं केंद्रीय सरकार ने कहा दुकानें खुली जाए और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए। इसका फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के लिए विशेष पैकेज देने की बात भी पीएम से कही है। तो सोनिया गांधी टिप्पणी मामला, मुंबई पुलिस के एक के बाद एक नोटिस पर अर्णब का पलटवार है। रिपब्लिक टीवी के संवाददाता अर्णब गोस्वामी, बातें कई दिनों से सुर्खियों में है। कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर लाइव टीवी शो में अपमानजनक टिप्पणी करने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर अर्णब के खिलाफ दर्ज कराई गई दर्जनों एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसी मामले में पूछताछ के लिए टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पहुंचे थे। अर्णब के साथ उनके वकील सुजाय कांतावाला और मौजूद थे। कुछ पूछताछ के बाद अर्णब थाने से विक्टी साइन दिखाते हुए निकले। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 घंटे में मुंबई पुलिस द्वारा दो दो नोटिस भेजे जाने के बाद अर्णब मुंबई पुलिस पर बिफर गए। अर्णब के मुंबई पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे ऊपर हुए हमले की जांच में भी तेजी दिखाओ। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के बाद अर्णब गोस्वामी और उनकी बीबी पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इसके बाद ये आरोप भी लगाए गए कि हमला करने वाले लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे। किम जोन उन की खराब तबीयत पर उड़ती अफवाहों के बीच सैटेलाइट तस्वीरों में यहां दिखाई उसकी ट्रेन और कुछ। तो कोरिया के तानाशाह किम जोन उन को लेकर कई खबरें विश्व भर में मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनी हुई है। किम जोन उन की तबीयत को लेकर कई सच और कई झूठ फैल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कई जगह तानाशाह की मौत की होने की भी बातें भी हो रही है। किम जोन उन की खराब सेहत के लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि किम जोन उन कहां है और किस हालत में है, इस रहस्य से अब शायद जल्द ही पर्दा उठ जाए। इस बीच किम जोन उनकी विशेष ट्रेन उत्तर कोरिया के एक रिजॉर्ट के बाहर देखे जाने की खबर सामने आई है। दरअसल वाशिंगटन स्थित नॉर्थ कोरिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हाल ही में किम जोन इनकी स्पेशल ट्रेन और उत्तर कोरिया के एक रिजॉर्ट के बाहर देखा गया है। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट 38 नॉर्थ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 21 और 22 अप्रैल को वनसान के लीडरशिप स्टेशन पर किम जोन की ट्रेन स्पष्ट हुई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला चीन को लेकर, चीन को नहीं दिया जाएगा एक भी
पैसा और कोरोना की टेस्टिंग के लिए भारत ने चीन से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट मंगवाई थी, लेकिन वह अस्पष्ट खराब निकली, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि क्वालिटी में घटिया पाई गई चीन की किट अब उसको वापस लौटाई जाएगी और उसके पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। जी हां, कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ICMR ने इस किट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के बाद भड़की ममता बनर्जी, कहा मुझे लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के सीएम को कहा कि वह अपनी अपनी नीति बनाए और बताए कि तरीके से लॉकडाउन को खोला जा सकता है। साथ ही 3 घंटे चली इस मीटिंग में उन्होंने लॉकडाउन को लेकर और भी चर्चा की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विरोध भास वाले बयान दे रही है, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, दूसरी तरफ वह दुकानें खोलने का आदेश देती है, अगर आप दुकानें खोल देंगे तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा। वही ममता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की मीटिंग में कई मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के इस आदेश पर और अधिक स्पष्टता की जरूरत है, अगर उनके मौका मिलता है तो कई मुद्दों पर सवाल करती, जैसे बंगाल के केंद्रीय टीम की जरूरत पर भी सवाल करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई सख्त कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसके पास घर पर ही सुविधा है तो वह खुद को होम क्वारंटाइन में रख सकता है, लाखों लोगों के क्वारंटाइन में नहीं रखा जा सकता है। सरकार की भी अपनी एक सीमा है, जाहिर है देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि हालातों पर जल्द से जल्द काबू किया जा सके। केंद्र सरकार के बाद योगी सरकार ने जारी किया फरमान, कर दे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन को खोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी ऐसे लागू रहेगा, मई के महीने में रमजान, ईद और बड़ा मंगल जैसे त्योहार को मद्देनजर रखते हुए राजधानी लखनऊ में सख्ती को 30 मई तक बढ़ा दिया जाए और यूपी के जो भी बाकी प्रदेश है वहन भी सख्ती बरकरार रहेगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार राजधानी लखनऊ में लगी धारा 144 को 44 को 30 मई तक बढ़ा दी गई है। देश में चल रहे लॉकडाउन और इस दौरान रमजान, ईद व बड़ा मंडल जैसे त्योहार को देखते हुए 144 के कुछ प्रावधानों को सख्त भी किया गया है। इस दौरान मांस और शराब की बिक्री भी प्रतिबंध रहेगी। धन्यवाद। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा ले सबसे पहले न्यूज देखने के लिए।